वो कहता है कि मैं आपके बच्चे को बिल्कुल सही सलामत बिना किसी एक खरोंच के भी आपके घर वापस पहुंचवा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए। डॉक्टर एस्टेल कहते हैं बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। वो कहता है बात पैसे की नहीं है साहब, बात उस खोज की है जो आपने की है, जो आपने अभी बनाया है और जिसे पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। मुझे उस रोबो का ब्लूप्रिंट चाहिए जो आपने तैयार किया है। यह सुनते ही डॉक्टर एस्ट्रेल तड़प उठते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम कितना भी पैसा मांग लो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ बेचकर तुम्हें पैसा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं इतनी मेहनत से बनाई गई वो चीज, वो रोबो और उसका ब्लूप्रिंट तुम जैसे इंसान को तो नहीं दूंगा। मैंने उसे बनाया है ताकि पूरी दुनिया में तुम जैसे ही लोगों को पकड़ा जा सके। तो ये बात तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें उस रोबो का ब्लूप्रिंट देने वाला हूं। तो वो व्यक्ति उनसे कहता है कि डॉक्टर एस्टेल, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, आपका बच्चा मेरे पास है, किडनैप्ड है, मैं जो चाहूं उसके साथ कर सकता हूं। तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मुझे क्या देंगे या क्या नहीं, मैं बताऊंगा मुझे क्या चाहिए और जो मुझे चाहिए वो आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर एस्टेल ये बात सुनते ही कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनके पास वाकई में अब ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, उन्हें इस व्यक्ति की डिमांड्स पूरी करने के लिए इसकी बात माननी पड़ेगी, उस रोबो का ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें उस रोबो का ब्लूप्रिंट दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि मेरा बच्चा सही सलामत है और जिंदा है। तो व्यक्ति उनसे कहता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है, मेरे सामने ही है, और आप बस वो ब्लूप्रिंट तैयार करें ताकि आप उसे मुझे हैंडओवर कर सकें। तो डॉक्टर एस्टेल कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, मुझे मेरे बच्चे की आवाज सुननी है। तो किडनैपर उनसे कहता है कि एक साल से भी कम बच्चे की आवाज में आपको कैसे सुनाऊं, वो बात तो कर नहीं सकता, कैसे कंफर्म करूं कि वो ठीक है, सही सलामत है और मेरे ही साथ है। वो कहते हैं कि उसके रोने की आवाज सुनकर मैं समझ जाऊंगा कि वो ठीक है। तो व्यक्ति उनसे कहता है कि ठीक है, आपका बच्चा भी मेरे सामने सो रहा है, इसे मैं अचानक से जगाता हूं और बच्चा जागकर रोने लगेगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, सोते वक्त अगर उसका दायां कान तुम खींचोगे तो बहुत जोर से चिल्लाकर रोएगा, ये उसकी आदत है, तो तुम्हें उसका दायां कान खींचना होगा ताकि वो जोर से रोए और मुझे कंफर्मेशन मिले कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है। ऐसे किसी को भी रुलाकर तो तुम किसी भी बच्चे की आवाज मुझे सुना दोगे, मेरा ही बच्चा है, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा अगर तुमने उसका दायां कान खींचा और वो जोर से चिल्लाकर रो पड़ा। तो किडनैपर कहता है ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, अचानक से मैं इसका दायां कान खींचूंगा, जोर से ये चिल्लाकर रोएगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन वो कहता है कि बच्चा रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग कहीं मुझ पर या इस घर पर शक ना करें, तो आप रुकिए, मैं पहले अपनी खिड़कियां बंद कर लेता हूं। तो डॉक्टर एस्टेल कहते हैं काम करो, अपना दरवाजा भी बंद कर लो। तो अचानक उसे शक होता है कि दरवाजा बंद करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि बाहर तक आवाज ना जाए तो खिड़की दरवाजे सब अच्छी तरह बंद करके खुद को पैक कर लो। ऐसा ही वो करता है। डॉक्टर एस्टेल को दूसरी तरफ से खिड़की दरवाजे बंद होने की आवाज आती है। उसके बाद वो व्यक्ति वापस अपनी जगह पर आता है, बच्चे के पास बैठता है, उसे प्यार से पुचकारता है कि देखो बेटा, जो मैं तुम्हें करने जा रहा हूं वो तुम्हारे पिता ने ही मुझसे करने के लिए कहा है, तो मुझ पर नाराज मत होना। और बस तुरंत वो उसके दाएं कान की तरफ बढ़ता है और उसका दायां कान खींचता है, और जैसे ही वो कान खींचता है डॉक्टर एस्टेल को दूसरी तरफ से एक भयंकर ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। वो किडनैपर उस ब्लास्ट में ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इस तरफ डॉक्टर एस्टेल के चेहरे पर एक लंबी सी राहत भरी
प्राउड मुस्कान आ जाती है। वो बच्चा कुछ और नहीं था, ये वही रोबो था जो डॉक्टर एस्ट्रेल ने इजाद किया था, अपने हाथों से बनाया था, जिसके चर्चे पूरी दुनिया भर में थे और जो ऐसे ही लोगों को खत्म करने के लिए बनाया गया था जो बच्चों को किडनैप करते हैं। उनका उस दिन वो अपनी कार से मैगजीन खरीदने के लिए निकलना, उस बच्चे को अकेले उस कार में छोड़ना, उसका वहां से किडनैप होना, सब कुछ प्लान था। और इस तरह दुनिया में से एक किडनैपर या एक अपराधी उस दिन उन्होंने कम कर दिया। आशा करते हैं कि स्टोरी सेगमेंट आपको अच्छा लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कहानी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।